ठीक है चलो जाओ बाय बाय। हम लोग वैसे यहाँ पे फाले ट्राई किए थे। ये वाला आपका अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको सनराइज व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक बाइक आ जाए तो कुछ ऐसा लगेगा पहाड़ पे बाइक चलाओगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रवांगला। अभी का टाइम हो रहा है 9:30। तो आज का हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आज निकल रहे हैं आपका रवांगला का जितना भी लोकल साइट सींग वो करने का कोशिश करेंगे, जिसमें से तेमी टी गार्डन हम लोग सोच आज ही कर ले। इसके साथ साथ आपका जो रोलांग मोनेस्ट्री है वो, और इसके साथ और भी टाइटनिंग व्यू पॉइंट है वो भी ट्राई करेंगे आज कवर करने का। लास्ट में हम लोग शॉपिंग करेंगे जो कि अराउंड शाम के बाद। यहाँ पर ऐसे सुने कि मार्केट 8 बजे बंद हो जाता है, तो कोशिश करते हैं उससे पहले इतना भी रैप अप करके मार्केटिंग करके थोड़ा वापस होटल में चेक इन करेंगे। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, चलो मिलते हैं आपसे। टाइम हो रहा है 9:45। हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स आपका तेमी टी गार्डन। बाय द वे हम लोग का था बुद्धा व्यू होम स्टे, और सबसे इसका खास बात था कि एकदम सामने ही आपका था बुद्धा स्टैचू का व्यू। बहुत कमाल का ये होम स्टे है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे आप कल बात करूंगा। वैसे अभी उसी होम स्टे के एक मेंबर है जो हम लोग के साथ निकल रहे हैं आज टूर पे। हम लोग घूम के आएंगे एक साथ, चारों बाइक निकालते हैं यहाँ से, वही सही रहेगा। चलो अरे हैदराबाद माउंटेन में रेस हो रहा है। चलो लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ रवांगला। हम लोग को जाना है दमथंग की तरफ जो कि आपका है यहाँ से राइट, नीचे वाला रास्ता चला जा रहा है आपका सिंगतम। पहले एक बार के लिए सोचे थे कि आज नामची उतर जाए और चारधाम ये वाला कर, बट अल्टीमेटली डिसाइड किया कि नहीं आज नामची नहीं उतरेंगे, आज रवांगला ही करेंगे। क्योंकि कल हम लोग रवांगला आपका एंटर किए थे करीब करीब 6 बजे। हर दिन हम लोग को लेट तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग घूम पा रहे हैं आपका मन खोल कर। सो उस चक्कर में होटल में स्टे कम हो रहा है, बाहर रास्ते में ज़्यादा हो रहा है। बट हमें इस बात का ज़रा सा भी वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चलो रेस्ट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या स्पोर्ट्स करने के बाद ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो रेस्ट का उतना ज़रूरत नहीं है। एक बाइकर को क्या चाहिए, पूरा दिन घूम के रात को बस एक बेड चाहिए और थोड़ा ठंडा जगह पे आ रहा तो थोड़ा गर्माहट चाहिए, बस हो गया। और थोड़ा कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो लिटो लिटो। क्या बोला तूने? क्या सही लग रहा है ये वाला व्यू, पूरा पाइन फॉरेस्ट एकदम डाउन, एकदम ढलान में जितना दूर तक देख रहे हैं हमको खाली पाइन फॉरेस्ट दिख रहा है भाई। ओह बहुत खूबसूरत व्यू, शोभन तो एक्साइटेड भी हो गया देख के। ही इज डांसिंग एक्चुअली, वो देखो सही है। अभी से इतना एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग। तेमी टी गार्डन तो और खूबसूरत है, आज का वेदर वैसे साथ दे दिया, पूरा एकदम सनी वेदर है। अभी का टेम्परेचर नहीं भी तो आप करीब करीब 18-19 डिग्री के आसपास है, बहुत मीठा मीठा वेदर है। ये वाला आपका अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको सनराइज व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे आओगे तो अगर क्लियर वेदर आपको मिला तो यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। नसीब अच्छा रहा तो आपको कंचनजंगा यहीं से दिख जाएगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं भी आपका, रवांगला से करीब करीब 5 किलोमीटर दूरी है। तो आप चाहो बाइक स्कूटी या अगर आप कैब करते हो पूरा दिन के लिए तो ये वाला पोर्शन आपको जरूर कराएगा वो लोग। पुताली भीड़ बोल के ये सारा छोटा सा गांव है, काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ से। एलिवेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे देखा जा सकता है, क्रॉस करें फिर आपको शायद हम विलेज का एक छोटा सा ग्लिम्स दे पाए। वो देखो काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ पे रास्ता थोड़ा नैरो हो गया है। ये वाला पोर्शन जो रोड कटा हुआ है थोड़ा थोड़ा किस्तवर किलार का जो रोड है उसके वजह से हल्का सा वाइब दे रहा है। ये रहा क्या व्यू है यार। हम लोग अभी एंटर किया आपका दमथांग। दमथांग के बाद आपका शायद यह हाईवे NH 510 ही है। यहाँ से आपको व्यू इतना खूबसूरत मिलेगा लेफ्ट में कि मत ही बोलो आप, और रास्ता भी यहाँ पे आके उतना ही खूबसूरत हो जाता है यहाँ से। क्या खूबसूरत व्यू है यार, मैं रुकूंगा यार यहाँ पे एक सेकंड के लिए। पूरा व्यू देखो, अब यहाँ से टी गार्डन चालू हो गया और ऐसा कुछ व्यू देखने को मिल रहा है, खतरनाक भाई खतरनाक। तो हम लोग आपका एंटर किया अभी तेमी टी गार्डन। एक्चुअली तेमी टी गार्डन का सबसे जो टॉपेस्ट पॉइंट है वहाँ से आपको यहाँ का वैली का खूबसूरती कुछ देखने लायक मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इस तेमी टी गार्डन के बीच से ही आपका रास्ता निकल के जा रहा है नीचे की तरफ। तो टी गार्डन के बीच से एक रोड जाना है अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। आप ये वाला ड्रोन शॉट देखो आपको बेहतर समझ में आएगा।
ये ड्रोन शॉट काफ़ी अच्छा लगा तो आपको पता ना क्या करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है किसके साथ आप फ्रेंड के साथ चाहो तो शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। लॉन्ग विद डैट आपका वीडियो का कौन सा आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। टेमी टी गार्डन के टॉप पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे जो ऑथेंटिक यहाँ का जो मेन टेमी टी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इस होटल का नाम है होटल ऑर्गेनिक। राजू भैया यहाँ पे दुकान को संभालते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का टी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं तेमी टी और हमारे साथ दो जन और हैं, वो लोग ट्राई करने वाले हैं तेमी टी मिल्क वर्जन वाला। मुझे एक्चुअली थोड़ा लाल चाय पीने का मन है तो इसलिए मैं तेमी टी जो लीकर वाला है वो पीऊँगा। तो तेमी टी का जो गार्डन था उसका व्यू तो हम लोग ऊपर से लिए थे, अपने ड्रोन में देख ही लिए ड्रोन शॉट में। अब हम लोग नीचे से इसलिए आए हैं ताकि हम लोग आई लव तेमी जहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद अपना एक मेमोरीज बना सके। तेमी टी गार्डन अब जाके मेरा हुआ फुल्ली कंप्लीट, बट एक छोटा सा काम यहाँ पे बाकी है, दैट इज़ यहाँ का जो टी लीव है यहाँ पैक किया हुआ मिलता है जो कि यहीं का है। सोच रहे हैं घर के लिए कुछ लेके जाए ऐसा सोविनियर, वो हमेशा तो मिलेगा नहीं, भले ही दो पैकेट ही ले कुछ दिन तो याद आएगा ना। ये वो कितने रुपये से स्टार्ट होता है? 900 रुपये से ना, और जाता कितने ऊपर तक है? 30,000 पर किलो। 900 रुपया पर केजी से 30,000 पर केजी तक का भी वैरायटी है? वाह, ये क्या आप लोग सबसे व्हाइट टी सबसे महंगा है? अच्छा ये वाली ना फर्स्ट प्लस जो होती है ये है 10,250 रुपये पर किलो। अच्छा, लेकिन लोकल मार्केट में 5,000 पर किलो। अगर मान लीजिए कोई कोलकाता से लेना चाहे तो आपके फोन नंबर पे कांटेक्ट करके करने से आप उनको कुरियर कर सकते हो आपके, तो ये पूरा वाह बहुत बढ़िया बात है। ये वो देना चाहिए ना? हाँ हाँ, एड्रेस तो मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, सिक्किम ऑर्गेनिक तेमी टी आउटलेट ऑथोराइज बाय तेमी टी फैक्ट्री, नंबर है इनका 7908-29602। ये सही है। तो अगर कोई कुरियर करते हैं तो मतलब आप लोग यहाँ से आराम से लगा सकते हो ना, कोई अगर बाइक कुरियर मंगाना चाहे तो। चलिए ये काफ़ी सही है। आपका नाम भैया? मैं हूँ रोशन गुरुम। रोशन गुरुम, वाह, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, नाइस टू मीट यू। नाइस, तेमी टी मत गिरो यार, तुमको लेके जाना है। एमआरपी रहेगा उससे 18% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 18% डिस्काउंट इसलिए क्योंकि GST नहीं लगता अगर आप फैक्ट्री आउटलेट से खरीदते हो तो। और ये वाला जो शॉप है ये फैक्ट्री आउटलेट। अब मेरा फर्स्ट शॉपिंग दैट इज टी लीव्स हो चुका है। अब धीरे धीरे हम लोग निकलेंगे जब घर की तरफ तो ये सब चीज़ याद आएगा बाद में। वैसे सही लगा मुझे यार, क्योंकि इसके पहले मैं अभी यहाँ पर जब आया मैं 3 बार अभी तक तेमी टी पी चुका हूँ। उसका फ्लेवर का कुछ मतलब यूनिकनेस ही गजब है, सोचा इस बार लेके चलते हैं यहाँ से। हम लोग वैसे यहाँ पे फाले ट्राई किए थे, आपको भी ट्राई करना है यहाँ पे आओ। मैं आपको दीदी मिलेगी यहाँ पे, आप फाले ट्राई करो। दीदी फाले का दाम कितना? 50 रुपीज अलॉन्ग विद सूप एंड चटनी ना। अच्छा, 50 रुपीज में आपको फाले मिल जाएगा, हम लोग 2 पीस यहाँ पे खाएं। ओके दीदी आते। हाँ नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, थैंक यू को क्या बोलते हैं नेपाली में? धन्यवाद। ओह तो सिमिलर है। ओके भैया आते। हाँ नेपाली में मेरे को एक पहला थोड़ा थोड़ा याद हुआ, मैं तुम्हीलाई मन पड़छू, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ रहे रालोंग मोनेस्ट्री की तरफ, फिर वहाँ से टाइटेनिक व्यू पॉइंट भी जाएंगे। वैसे हम लोग गूगल मैप लगा के ही जा रहे थे, बाद में भूपेन भैया जो मेरे सामने जा रहे हैं बुलेट 500 लेके, इन्होंने कहा मैं चल रहा हूँ आपको गूगल मैप का जरूरत है नहीं। सारा पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल अभी यही घुमा रहे हैं। बाय द वे भूपेन भैया आपका वही जो बुद्धा व्यू होम स्टे है उन्हीं में रहते हैं, तो उनके तरफ से ये जेस्चर हमें मिला कि वो हमारे साथ आज टूर कर रहे हैं पूरा लोकल साइट सीन रामांगला का जितना भी। मतलब ये जर्नी ऐसे ही मेमोरेबल था बट उस पर 4 चांद लगाने वाले भूपेन हैं। सो ऑल थैंक्स टू भूपेन भैया इतना हेल्प करने के लिए। अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ भूपेन भैया को ये सब पता है नहीं।
बट जब ये वीडियो अपलोड होगा तब देखेंगे तो उनको भी शायद थोड़ा तो अच्छा लगेगा उनको मन में भी। रास्ते के बीच में रुके टूवर्ड्स जब हम लोग रवाना की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे जो पेड़ नोटिस किए थोड़ा रुकने के बाद समझ में आया कि देखने में तेजपत्ता ऐसा लग रहा है, जो भी वाइल्ड तेजपत्ता होता है ना वैसा। एक तोड़ के देखे, स्मेल किए, सच में यार ये तेजपत्ता का ही गाछ है, कन्फर्म हो गया। फिर भूपेन्द्र भैया ये बताया कि हाँ ये तेजपत्ता का गाछ है, जब ये सूख जाएगा तो पूरा एकदम मस्त। लाल चाय में इसी तेज पत्ता का ये लोग यूज करते हैं, तेमी टीम में शायद इसका थोड़ा फ्लेवर जाता है। यहाँ से रालंग मोनेस्ट्री का डिस्टेंस बचा और 8 किलोमीटर, बट उससे पहले आपको दिख जाएगा बुद्धा पार्क। ये बुद्धा पार्क का रास्ता है, अब मेरे राइट में देखो बस, रालंग मोनेस्ट्री जाने के रास्ते में ही आपको ये स्टैचू मिल जाएगा। ये पूरा कैंपस ही आपका बुद्धा पार्क का है। यहाँ पे रात को शायद लाइट एंड साउंड शो भी होता है। तो भूपेन भाई आप रेस्ट करेंगे, हम लोग चले टुवर्ड्स रालंग मोनेस्ट्री, वो करके आते हैं, उसके बाद शाम को बाजार जाएंगे एंड देन वी विल हैव सम स्नैक्स। हाँ एकदम एकदम डन, इसमें मेरा एकदम फुल ओके है मेरा। ठीक है भैया आते हैं, निकलते हैं मोनेस्ट्री करके आते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए, टाइम इज राइट नाउ 2:08। अब यहाँ से मोनेस्ट्री का डिस्टेंस अराउंड 6.5-7 किलोमीटर है, जल्दी हो जाएगा आई थिंक। चलो एकदम 5 मिनट्स लेटर। काफ़ी ख़राब है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है लग रहा है पूरा। एक जगह तो ढलान इतना ज़्यादा था, ऊपर से पत्थर भी था, मेरे को तो लगा मैं वहीं गिर जाऊँगा, बट सेफली निकल गया। अगर इलेक्ट्रिक बाइक आ जाए तो कुछ ऐसा लगेगा पहाड़ पे बाइक चलाओ जैसे। क्या मस्त लग रहा है, मजा आ गया। मोनेस्ट्री जाने के रास्ते में आपको पाइन फॉरेस्ट का पूरा जंगल मिलेगा और मोस्टली आपको नीचे उतरना है, कुछ देर के लिए ऊपर चढ़ना था, उसके बाद नीचे ही नीचे जाया जा रहे हैं हम लोग। वापस हम लोग को इसी रास्ते से ऊपर जाना होगा टुवर्ड्स रवांगला। अभी का टाइम हो रहा है 2:25, और यहाँ से आपका बचा हुआ है और 2.5 किलोमीटर के आसपास देंसा पल्चेन चोसलिंग मोनेस्ट्री, दिखने में कुछ ऐसा है। चलो अब आगे चलते हैं, और ये रहा मोनेस्ट्री का व्यू। पहले पार्किंग करते हैं। तो रालंग मोनेस्ट्री के अंदर आपका फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड है, बट यहीं पे आप वो जो मेन गेट देख रहे हो उसके अंदर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। आप बाहर से चाहो तो फोटो ले सकते हो, यहाँ पे बढ़िया से फोटो खिंचा सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो जाओ, बाय बाय, बाद में मिलेंगे जरूर आपसे, हाँ बाय। सो मैंने यहाँ पे परमिशन लेके ड्रोन फ्लाई किया, उसके बाद जो छोटे छोटे मॉन्क्स थे वो आके वही पूछ रहे थे कि आपका ये वीडियो कहाँ देख पाएंगे, तो मेरे पास लकीली यूट्यूब का स्टिकर था तो मैंने वो दे दिया इनको। चलो बाय बाय बाय। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। मैं करीब करीब नहीं भी तो यहाँ पे 1.25 घंटा के आसपास टाइम स्पेंड किया, बट सच में दिल खुश हो गया यार। कुछ चीज़ें हैं ना जो आप उसी जगह पे फील करोगे जिस जगह पे आप उस टाइम मौजूद रहोगे। हो सकता है मैं GoPro के माध्यम से आपसे जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ वाया दिस वीडियो, बट ये कुछ नहीं है यार, आप यहाँ आके जो फील करोगे वो बहुत टोटली डिफरेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप जो वीडियो में देख रहे हो। सो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा, इस वीडियो के माध्यम अगर आपको कहीं भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिक्किम का ये वाला पार्ट भी आप ज़रूर करो। इसका भी अपना एक यूनिकनेस है, अपना ही एक फील है, मोनेस्ट्री से पीसफुल जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा टाइम हो गया है 3:38, अब हम लोग का नेक्स्ट जो प्लेस है वो है आपका बुद्धा पार्क।
सो हम लोगों ने किया आपका बुद्धा पार्क में एंट्री। बुद्धा पार्क में एंट्री का टिकट का प्राइस है एक जन का 80 रुपये करके टूरिस्ट लोग के लिए। फॉरेनर का मुझे रेट नहीं पता, वहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं था। तो हम और उदित तो अभी फिलहाल एंट्री किए हैं और शुभंदा का तो तबीयत ख़राब है तो घर पर रेस्ट कर रहे हैं। सो ये आपका है मेन एंट्री। आप सीधा आओगे मेरे पीछे से, पैसे सीधा। आप चाहो तो जो टोटो होता है वो गाड़ी भी यहाँ पे मिलता है। आप चाहो तो टोटो लेकर आप पूरा इस पार्क का एक चक्कर लगा सकते हो। 300 रुपये करके पर हेड लगेगा, बट हम लोग थोड़ा पैदल ही सोचे कर इसको विजिट करते हैं, अच्छा लगेगा। बुद्धा पार्क का टाइमिंग आपका है 9:30 से लेकर 6:00 तक, और 6:00 से पहले आई थिंक बंद होने से पहले लाइट शो एक होता है जो कि पूरा लाइट वाइट एकदम जगमगा उठेगा, आप तो देखोगे। वैसे इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, एक रात को दोनों को मैं अगर क्लिप कर दूँगा रात का व्यू कैसे आपको देख के अच्छा लगेगा। बाकी इसका जो ड्रोन फुटेज है वो आने वाला है जल्दी। बुद्धा पार्क के अंदर जो टेम्पल था उसमें भगवान गौतम बुद्ध का जो 12 डीड उनका 12 कर्म था वो पूरा पिक्चर के हिसाब से पूरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख पाए वहाँ पे। उसके अलावा क्या क्या डीड था उनका वो बढ़िया से थियोरेटिकली लिखा हुआ था, वो यहाँ पढ़ने को मिला उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। उनका जन्म से लेकर उनका मरण तक सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। उनका जो 8-fold path, 4 noble truths, उनका जो महायाना हिनायाना के बारे में जो सेक्ट था जो कि बुद्धिज्म का, दो उसके बारे में डिटेल्स हर चीज़ वहाँ पे मेंशन था। सो ये आपका मेन एंट्रेंस। ऐसे आप इसके बाद आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो ये हम लोग का रूम नंबर 205, और रूम का व्यू कुछ ऐसा। दो जन के लिए ट्रिपल बेडेड रूम मिला हम लोग को बाय द वे। यहाँ पे आपका एक छोटा सा मिरर, यहाँ पे आपका वार्डरोब अच्छा खासा, वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स कुछ रख सकते हैं आई, और वॉशरूम ऐसा लॉन्ग विद गीजर 15 लीटर का है। यहाँ पे भी लुकिंग ग्लास। बट इस रूम का जो मेन USP है आइए आपको वो दिखाते हैं। मेन कुछ यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है बुद्धा पार्क का, पूरा रवांगला शहर यहाँ से दिख रहा है और सामने इतना सुंदर स्टैचू। फोटो से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, सामने देखने में अलग ही, बट आँख से देख के भाई जो मज़ा आ रहा ना भाई, रियलिटी कुछ और है। फोटो में फिर भी आपको अच्छा लग रहा होगा आई होप, बट रियलिटी कुछ और ही दिख रहा है। तो ये है आपका होटल बुद्धा व्यू होमस्टे का रूम से व्यू जो रूम हमें मिला है, और इस तरफ का मोस्टली जो जितना भी रूम्स है आपको ये व्यू आराम से मिलेगा। होटल्स का प्राइस क्या लगा, टैरिफ क्या लगा, मैं ऐसे भी वीडियो के एंड में डाल दूंगा, या तो नेक्स्ट के जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें इसका डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। 8:15 हम लोग थोड़ा जल्दी डिनर करने वाले भाई, अभी हाई कर रहे हैं। एकदम अच्छा 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 अच्छा। तो डिनर हम लोग का डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। हम लोग जान उसके 8:15 कर ले रहे हैं क्योंकि भूख लगा हुआ है काफ़ी जोर का। सो बुद्धा व्यू होमस्टे नाम है इसका। हम लोग का डिनर का टाइम हुआ, डिनर का वेराइटी देख के तो मेरा ऐसे भी मेरा माथा हिल जा रहा है। अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये तो चिप्स है आपको पता है, ये क्या चेरी है क्या भैया? ये मिर्ची, मिर्ची यहाँ का लोकल मिर्ची। ये यहाँ का लोकल नींबू, प्याज। ये क्या है भैया? सलाद, गुड़के। गुड़के सलाद, हाँ यहाँ लोकल लोकल। इसमें और क्या मिला हुआ भैया सलाद में? छन्ना, छीना, छन्ना, छन्ना। अच्छा ये तो सब्जी होगी, स्क्वाश का वो नीचे का रूट। अच्छा स्क्वाश का रूट का, स्क्वाश कौसा बोलते हो वही टाइप। ये भैया चटनी ना, ये चटनी का राय साग का ना, वो क्या बोलते हैं उसको, राइस आग का, राइस आग का क्या बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर का चटनी। वाह, मतलब ये सारा मोस्टली हम, मेरे को लग रहा है लोकल ही है। उस चिप्स को छोड़ के सब लोकल है, हम लोग को बाहर मिलेगा नहीं। साथ में दाल रोटी चावल, सो ऑलमोस्ट पूरा दो टेबल कम्प्लीटली एकदम फ्लडेड विद फूड्स, ऐसा हाल है अभी फिलहाल।
कल बंगला में करंट नहीं, कुछ देर के लिए करंट चला गया, पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन शुरुआत पे आते आपका बारबेक्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया अलॉन्ग विद बॉनफायर, तो उसी की रोशनी में मैं आप मेरा फेस देख पा रहा हूँ भाई। ये भी आया सेलिब्रेट करने, है ना, तुम तो दिख नहीं रहा, इतना काला हो गया तुम, इधर आओ, हाँ तुम दिखेगा साथ में। नाम क्या आपका? भानु। हाँ भाई। भाई, अरे वाह, मैं भाई।